हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप जानोगे कि दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को दोस्तों अगर आप यूज कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट अगर आप यूज कर रहे हो और दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करना चाहते हो, परमानेंटली उसको बंद करना चाहते हो, तो किस तरीके से दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट को आप बंद कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल लाइव प्रूफ में आपको दिखाऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट को कैसे हम क्लोज करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट को क्लोज क्यों करना चाहते हो। तो चलो दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट करे। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टेक्निकल जीनियस चैनल को, तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि दोस्तों सबसे पहले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर देखो दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर को ओपन करना है, यानी पहले फ्लिपकार्ट को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना अकाउंट वाला ऑप्शन में, यहाँ पर जाना आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर वाला ऑप्शन में। यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर देखो दोस्तों मेरे को फ्लिपकार्ट पे लेटर ने मेरे को यहाँ पर 50,000 का लिमिट दिया है। आपको जितना भी लिमिट दिया होगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की साइड स्क्रोल डाउन करना है और आपको जाना है लर्न मोर अबाउट फ्लिपकार्ट पे लेटर, इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको चले जाना है। इस वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना, सबसे लास्ट में। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाउ डू आई क्लोज माय फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट। इसके नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर देखो नीचे की साइड आपको आना है, यहाँ पर लिखा पड़ा है आई वॉन्ट टू हेल्प विथ अदर इशू। यहाँ आप देखो सेकंड लास्ट में दिख रहा है आपको आई वॉन्ट टू हेल्प विथ अदर इशू, इस वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है। इसमें जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर दोबारा से आपको यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करना। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे कॉल मी बैक वाला ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों जिस नंबर पर आप कॉल चाहते हो नंबर आपका ऊपर यहाँ पे इंटर होगा, अगर नहीं है तो आप नंबर डाल देना। उसके बाद आप अपना लैंग्वेज यहाँ पे कर सकते हो सिलेक्ट, हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हो कस्टमर केयर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना है आई वॉन्ट टू क्लोज माई फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट प्लीज़ कॉल मी बैक। ये मैसेज दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो चलो दोस्तों मैं यहाँ पर मैसेज को टाइप कर देता हूँ, और मैसेज को टाइप करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोस्तों मैंने मैसेज क्या टाइप किया है, आई वॉन्ट टू क्लोज माई फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट प्लीज़ कॉल मी बैक। यही मैसेज आपको टाइप करना है और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों 5 मिनट के अंदर ही आपके नंबर पर एक कॉल आएगा कस्टमर केयर का फ्लिपकार्ट की तरफ से। और दोस्तों उस कॉल पर आपको क्या बात करना है, यहाँ पर देखो ये कॉल रिकॉर्डिंग तो दोस्तों नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बात किया कॉल पर, कॉल पे मैंने यहाँ पे बात कर लिया है कि देखो मेरे को फ्लिपकार्ट पे लेटर का अकाउंट जो है क्लोज़ करना है। सबसे पहले वहाँ पे आपको पूछा जाए कि सर आपने कॉल बैक के लिए आपने रिक्वेस्ट डाला था, तो उसको आप बता देना कि सर मुझे फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट को जो है क्लोज़ करना है, ठीक है। तो दोस्तों वो आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट जो आपका क्लोज़ कर देगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको थोड़ा कन्विंस करेगा कि फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट आप क्लोज़ मत करवाओ, अगर आप क्लोज़ करवाते हो तो इन फ्यूचर में आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का आप लाभ नहीं ले पाओगे। और दोस्तों देखो ये सच बात है, अगर आप क्लोज़ कर देते हो फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट को तो इन फ्यूचर दोस्तों आप अपने दोबारा इस पर लाभ नहीं ले पाओगे फ्लिपकार्ट पे लेटर का। पर कैसे दोस्तों लाभ लेना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपको ये बोल देना है, आप कन्फर्म कर देना कि मुझे फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट को क्लोज़ करना है और आपका वो फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट को जो है क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो हैंड टू हैंड ही आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट जो है क्लोज़ हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर के अंदर अगर आपने कुछ शॉपिंग किया है, कुछ यूज़ किया, उसके पैसे का यूज़ किया है, तो देखो आपका ऐसे क्लोज नहीं होगा, सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप क्लोज करवा पाओगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं। तो देखो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।